नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके प्रश्नों की संख्या 60 है। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर, कुकूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? कुकूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? आप लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिए, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो कुकूप मंडूक होना अर्थात ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, क्या होना? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि बहादुर शब्द क्या है, अर्थात जो बहादुर शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? बहादुर शब्द, यहाँ पर जवाब आपका आना शुरू हो गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तुर्की। ठीक है, तो बहादुर शब्द कैसा है? तुर्की शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन कीजिए। तरंग शब्द का सही समानार्थी, तो देखो तरंग का जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो तरंग का सही समानार्थी शब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी, उर्मी। उर्मी मतलब होता है लहर, ठीक है, या छोटी लहर, इस प्रकार से कह सकते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्र की यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। देख लीजिए कि क्या भरना है आपको। तो राष्ट्र की प्रगति, यहाँ पर सी नंबर देखिए, अगर यहाँ पर प्रगति भर देते हैं, यहाँ पर उन्नत भर देते हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि राष्ट्र की प्रगति ही में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 भाषा होती हैं, तो इनमें से देखिए जो आपका ए नंबर है आपका बघेली, तो बघेली आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये आपकी कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट कर आपसे, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं अर्थात कह सकते हैं ऐसा कौन सा शब्द होता है जो आपकी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपके आते हैं नक्षत्रों के नाम। याद रखिएगा कि नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार बताएं, अर्थात जो आपका आषाढ़ का एक दिन है ये क्या है? एक नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर जवाब देने शुरू हो गए हैं। आंसर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, मोहन राकेश। याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, आंसर आपका सी, मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? और हल्दी घाटी के रचनाकार आपके हो जाएंगे राम नारायण पांडे। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, राम नारायण पांडे। नेक्स्ट कर आपसे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये विकसित हुई है आपके सौर सेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन राइट आपका सी, सौर सेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट कर आपसे कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग विशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष। नेक्स्ट कर आपसे, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? तो देखा जाए यहाँ पर आपका कह रहा आपसे, मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी यहाँ पर शब्द लगाना जरूरी नहीं था। यहाँ पर है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तीसरा है, आकाश में दीर्घकाय यहाँ पर होता है, कह सकते हैं आकाश में बहुत काले बादल छा गए, इस प्रकार से कह सकते थे, है ना। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका राइट आपका हो जाएगा वो आपका आयोग बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले क्या है? जो पहले शब्द है ये आपका क्या है? ये जो आपका है ये आपका है एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन राइट आपका बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कर आपसे, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? देखो उसे फिर आपका दिया है कि जिसे, तो ये एक प्रकार से क्या दर्शा रहा है? आपस में संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, जिसे और उसे, इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए हो जाएगा, संबंधवाचक। नेक्स्ट कर आपसे, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है अर्थात बच्चे को दूध पिला रही है, को अर्थात आपका कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस क्रम में कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय नहीं है? कृत्य प्रत्यय नहीं है, बताइए यहाँ पर कृत्य प्रत्यय किस में नहीं है? तो आपका यहाँ पर दिया है कौन सा? आपका दिया है खिलौना, ओढ़ना, चलनी। यहाँ पर खुरचन है, खुरचन में आपका कृत्य प्रत्यय नहीं है, अर्थात कृत्य प्रत्यय होते हैं जब क्रिया में लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे, अवधि किसी उपभाषा वर्ग की बोली अर्थात जो अवधि आपकी होती है वो किस भाषा की है, तो अवधि आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिल्कुल हर एक कह सकते हैं कि आपके टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है, तो टहलना अर्थात कह सकते हैं क्या टहलता है, कुछ नहीं टहलता, अर्थात ये आपका एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्योंकि जब से शब्द जुड़ा है आपका कह सकते हैं कारक है, और जब कारक चिन्ह लग जाता है तो याद रखिए वो आपका हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का सही प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कर आपसे निलंबन में नी है बिल्कुल सही है, निराकरण में नीर है आपका सही है, दुर्योधन में आपका दुर होना चाहिए तो ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। वैसे आपका अपहरण में आपका सही है, अर्थात आंसर आपका सी यहाँ पर गलत दिया है। नेक्स्ट कर आपसे, कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन बताना है, देव का बहुवचन आपका देवों होता है, अब देवों तो ऑप्शन में है नहीं है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका 19 क्वेश्चन राइट आपका हो जाएगा देवगढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा देवगढ़। नेक्स्ट कर आपसे, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधिविच्छेद सटीक है, वाग वैभव, देखो गा का परिवर्तन आपके काम में होगा ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर देखा जाए तोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, आपको वाक धन वैभव बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट कर आपसे, उषा सुनहले तीर बरसाती लक्ष्मी सी उदित हुई में अलंकार पूछा है, देखो उषा मतलब होता है जो प्रातः काल होता है ना, और लक्ष्मी जी की तुलना कर रहा है अर्थात एक जो निर्जीव है, निर्जीव की तुलना सजीव से हो रही है, जब निर्जीव की तुलना सजीव से होती है वहाँ पर आपका मानवीय अलंकार होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जहाँ ता मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे जी जित जित चिटके हार्ड सेत कहूँ कहूँ रतनारे, हमने आपको एक पॉइंट बताया था जहाँ पर भी मांस मिल जाए वो हमेशा होता है घृणा, अर्थात कह सकते हैं विभत रस होता है, तो 22 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर विभत रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला अर्थात गांव के लिए जो गायें होती हैं तो गाय के लिए साला अर्थात कह सकते हैं रहने वाला जो जगह होता है, तो गौ के लिए साला अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा सी आपका तत्पुरुष। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से काले छपे शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है, यहां पर दिया है स्यू, तो स्यू का जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो स्यू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्यू का पर्यायवाची जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पिनाकी, क्या हो जाएगा पिनाकी। नेक्स्ट कर आपसे किस क्रम में विव्रत स्वर है, तो विव्रत स्वर क्या होते हैं जो कह सकते हैं जीव को तालु से दूर भगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है ई, देखो जीव में पास में आ गई, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा डी जो आपका बड़ा आ है, ये आपके कह सकते हैं कि जीव को तालु से दूर हटाने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विव्रत स्वर, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट कर आपसे उन्मूलन का सही विपरीत बताइए, तो उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना कह सकते हैं, है ना, तो इसका विपरीत हो जाएगा रोपण अर्थात लगाना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, जो छंदबद्ध पंक्ति होती है उसमें जो प्रयुक्त स्वर होते हैं व्यंजन होते हैं उनकी जो समानता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, तुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुक बोलते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब रामायण पढ़ते हैं तो हर एक कह सकते हैं छंद के हिसाब से आप लोग बढ़ते हैं और इसके अंत में रुकते हैं, वही आपका दूसरा हिसाब से बोलता है तो कह सकते हैं तुक बढ़ जाता है उसमें से, ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके आपको यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला अर्थात जो इम्तिहान लेने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं परीक्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं परीक्षक, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है, देखो आपका ग्रह का मतलब एक होता है, घरा का मतलब ग्रह गेह घर ये तो एक है, लेकिन भुवन का अर्थ होता है आपका संसार, तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा, भुवन इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पर आपको तत्सम शब्द जो आपका है वो कौन है, तो तत्सम शब्द आपका ए है दधि, दधि का होता है तद्भव दही होता है, ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, जो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो आपकी कौन हो जाएंगी, तो देखो आपका का होता है, जा होता है, फा होता है, खा होता है, गा होता है, तो ऑप्शन में आपका खा और गा मिल रहा है, आंसर राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है, तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, आपका मा हो जाएगा। देखो जो आपके घोष या कह सकते हैं सघोष क्या होते हैं, जो अंतिम के तीन होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं उन्हें घोष बोलते हैं या सघोष बोलते हैं, जो प्रारंभ के दो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अघोष। तो आपका जो मा आएगा कहाँ पर आएगा, अंतिम में आएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो जिनमें चारों चरण आपके समान होते हैं उनको बोलते हैं सममात्रिक छंद, क्योंकि वहां पर मात्राएं क्या होंगी सभी समान होंगी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन है, तो याद रखिए जो चौपाई होता है इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अमावट में प्रत्यय बताइए, अमावट आवट आपका यहाँ पर प्रत्यय बन रहा है, ऑप्शन राइट आपका 35 का हो जाएगा सी, आवट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया गया है यहाँ पर कि गद्यांश आपको बताना है, गद्यांश हमने बताया है कि गद्यांश को सॉल्व करने के लिए चाहे आप प्रश्न पढ़ लीजिए, अगर कोई छोटा सा गद्यांश है तो आप सीधा सीधा गद्यांश पढ़ सकते हैं, इसके बाद आंसर लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा होता है कि जिसके बारे में आप जानते हैं, मान लीजिए गांधी जी के बारे में है, तो गांधी जी के प्रश्न आपको अगर नहीं पढ़ेंगे, मान लो कि गद्यांश नहीं भी पढ़ेंगे तो आंसर आप लगा सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से इस गद्यांश को आप पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन यही होता है तरीका, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए इसके बाद आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ मिलती चली जाएगी, है ना। तो हम आपको गद्यांश बता देंगे, अभी 50-60 प्रश्न लिए हैं, जब कम करेंगे तो आपको बता देंगे, और ऐसा नहीं कि बताए नहीं है, पिछली वीडियो आप देखिएगा मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक दो दिन में आपको पक्का बता देंगे कि कैसे सॉल्व भी करना है, आपको सॉल्व करके कल या परसों वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहाँ तक, 40 तक लगभग हम यहाँ पर मानते हैं कि आप लोग अपने हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, चाहे जितना हम आपको बता दें, लेकिन एग्जाम में हम देखते हैं कि आप अपने हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं, 41 आपसे कह रहा है, आपसे कौन सा कह रहा है आपसे यहाँ पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव शब्द होता है जहाँ पर आपकी चांद की बिंदी होती है, और चांद की बिंदी कहाँ पर है, मुंह में। मुंह में क्या अर्थात मुंह शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये तद्भव आपका है। निष्क आपसे चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइए, चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है, तो देखो चिरायु शब्द में उपसर्ग है तो चिर हो जाएगा, चिर धन आयु, तो आयु का भी अर्थ निकलेगा चिर का, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा चिर। नेक्स्ट कर आपसे यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, हमने आपको बताया था कि यशोधरा में अर्थात जो ओ की मात्रा है उसे हटाकर विसर्ग लगा देंगे तो विसर्ग संधि आपकी बन जाएगी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ पर आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा है, और शुद्ध वर्तनी आपका पूछा है क्या कि अन्वेषण का सही अर्थात जो अन्वेषण सही लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए अन्वेषण जो आपका सही लिखा है वो आपका कौन सा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही लिखा है, अन्वेषण इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा ए नंबर आपका दिया है। नेक्स्ट कर आपसे जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े में कौन सा वाक्य का प्रकार है, तो देखो जिधर धुआं दिखाई दिया उधर, और जिधर और उधर होता है वहां पर संबंध होता है, और संबंध होता है आपके मिश्र वाक्य में, ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। हमने आपको बताया कि ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए, मृगनयनी अर्थात जो कि एक उपन्यास है के रचनाकार कौन है, मृगनयनी के आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, अब देखो काफ़ी बच्चे होते हैं राष्ट्रभाषा बोलते हैं, और अभी हाल ही में शायद लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया भी था, तो बहुत बच्चे राष्ट्रभाषा भी लगा दिया है, याद रखिए राजभाषा के रूप में आपको मतलब आपकी भाषा को लिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के लिए, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है, राष्ट्रभाषा जिस देश की होती है तो उस देश में हर एक काम आपके कह सकते हैं उसी भाषा में होते हैं, हर प्रकार से जो होते हैं उसी भाषा में होते हैं, लेकिन इंडिया में आपके देखते हैं कि चंडीगढ़ की आपकी जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी अलग है, दिल्ली की अलग है, ठीक है, और नागालैंड की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती है राज्य भाषा होती है, समझ में आ गया। तो राज्य भाषा को जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है, आपके अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम याद करिए। देखिए जो आपका वर्तस्य होता है इसे हम लोग बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका ओष्ठ,
तो 48 का आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल हो जाएगा। आप चारों प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ये अल्टरनेट लिखे गए हैं, लेकिन जो ये क्रम है आपका कंठ तालव्य मूर्धन ये कह सकते हैं वर्ष दंत ओर्ष, ये बिल्कुल आपका है कि का फिर चा फिर टा फिर ता, ये बिल्कुल आपकी क्रम है आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, उस काल मारे क्रोध के तनकापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर आपका सोता होना चाहिए था, सीता ने सोता हुआ सागर जगा। तो देखो यहाँ पर क्रोध है, और जब क्रोध होता है तो आपको क्या होती है, मतलब गुस्सा आती है, नाराज होते हैं, अर्थात आपको कह सकते हैं रौद्रस होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास जो आपका है कौन है, ये आपका सी है प्रतिकूल। कौन सा है भैया, प्रतिकूल है। ठीक है, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सुन सिय सत्य आशीष तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा, चौपाई छंद। क्या पढ़ा है, चौपाई। आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, तो रामायण में आपको ये वर्ड मिलता होगा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा है मन कामना तुम्हारी। तो ये तो कुछ ऐसे होते हैं जो आप हमेशा पढ़े हैं, इस प्रकार से ये आपके क्या है, एक चौपाई है। और निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर जो आपका सिंगल 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 वन और डबल वन डबल वन आए वन डबल डबल, कुल मिला के जोड़ेंगे तो आपकी 16 मात्राएं निकल के आएंगे, तो ये आपका चौपाई है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, वाक्य में उचित विराम चिन्ह उनमें से एम बी एड पास किया है, अर्थात यहाँ पर आपको दिया है एम बी एड, तो इसको जो बीच में आपको एक वर्ड लगना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं एक चिन्ह लगना चाहिए, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का प्रकार जो होता है किस प्रकार से, तो विराम चिन्ह होता है आपका ऐसे कह सकते हैं हलंत होती है, उसके ऊपर आपका जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से कहीं लिखा है, देखिए जो आपका बी नंबर आपका है, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, मंद का विलोम बताइए, तो भाई मंद का विलोम होता है कह सकते हैं तीव्र या बोलते हैं द्रुत। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मंद का विलोम द्रुत हो जाएगा, ये कह सकते हैं इसे बोल देंगे तीव्र बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होते हैं, कोई कुछ। ठीक है, कोई या तो कुछ होता है, तो इस प्रकार से आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, देखो कारक पढ़ लीजिए, आपको कारक से जरूर देखने को मिलता है, तो पर जो शब्द है वो आप कह सकते हैं क्या है, तो अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं आपको ये जो पढ़े हैं आप लोगों ने कारक, तो 100% आप पता कर पाएंगे, ये आपका अधिकरण होता है, अधिकरण मैं पर है ना, होता है ना मैं पर होता है ना, तो ये आपका अधिकरण कारक है। नेक्स्ट कर आपसे, योग रूढ़ शब्द कौन है, देखो योग रूढ़ शब्द को हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, अर्थात एक विशेष अर्थ निकालता है, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किसे बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं, इस प्रकार से लंबोदर आपका यहाँ पर है, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, कृदंत प्रत्यय हमने बताया कि जो क्रिया के मूल रूप से अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्या होता है, जो क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं कृदंत। तो कृदंत आपका जो हो जाएगा आपके बिकाऊ में हो जाएगा, किसमें, बिकाऊ, अर्थात कृदंत प्रत्यय से बना आपका कौन है, बिकाऊ बना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है, ये हमने आपको बहुत बार बताया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखा करिए कि सही है या जवाब नहीं सही है। ठीक है, और अगला है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो तीर के पर्यायवाची जो आपके होते हैं बाण होता है, सर होता है, नाराज भी होता है, लेकिन तार नहीं होता है। ठीक है, तार नहीं होता है, इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे आ गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, याद रखिए 17वें रमाकांत स्मृत कहानी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया आपके इंदिरा डांगी को। किसको, इंदिरा डांगी को, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, इंदिरा डांगी को। ठीक है, तो इनको दिया गया है आपका, तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 60 प्रश्न आपके सॉल्व किए हैं, इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट लगाए उनको भी आप सॉल्व करिए, पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।